असलम वेलकम बैक टू आर्ट एंड क्राफ्ट विद कशिश आई होप आप सब ठीक होंगे व्यूवर्स आज हम बना रहे हैं डी आई वाई पेपर बैग सो लेट स्टार्ट टू मेक दिस डी आई वाई पेपर बैग वी नीड ए फोर साइज टू कलर पेपर वाइट ग्लिटर शीट स्केल सीजर लेड पेंसिल ग्लू स्टिक एंड अ रिबन सो लेट स्टार्ट मैंने दो ए फोर साइज़ पेपर लिए हैं एक पेपर के एच पर हम ग्लू लगा लेंगे ग्लू हम जस्ट एच पर लगाएंगे ग्लू लगाने के बाद हम दूसरे पेपर को पेस्ट कर देंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोनों पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है अब मैंने अपर साइड पर थ्री सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है और साइड पर टू सेंटीमीटर की ऊपर वाले पोर्शन पर हम ग्लू लगा लेंगे अच्छे से ग्लू लगाएंगे ताकि फोल्डिंग अच्छे से हो ये ग्लू हम उस पोर्शन पर लगा रहे हैं जो थ्री सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हमने लाइन ड्रॉ की थी फोल्ड करेंगे लाइक दिस फोल्डिंग के बाद अब हम टू सेंटीमीटर की जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको छोड़कर हम साइड से पेपर को फोल्ड कर देंगे लाइक like दिस साइड से अच्छे से प्रेस करना है अब टू सेंटीमीटर वाले एरिया पर हम ग्लू लगा लेंगे एज पर ग्लू आपने अच्छे से लगानी है ताकि अच्छे से पेस्ट हो सके ग्लू लगाने के बाद अब हम इस एरिया को फोल्ड कर देंगे फोल्ड हमने कर लिया है अब हम नीचे वाली साइड पर फाइव सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे अपर साइड पे। फोल्ड हमने कर लिया है इसको अच्छे से प्रेस करेंगे बहुत ही अच्छे से आपने प्रेस करना है इसको प्रेस करने के बाद दोनों साइड से हम इसको ओपन करेंगे और दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे ट्रायंगल शेप आपको साइड से नजर आ रही है अब हम फर्स्ट फ्लैप को फोल्ड करेंगे और ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर लेंगे ग्लू आपने लाइन से ऊपर वाले पोर्शन पे ही लगानी है सेकेंड फ्लैप को भी पेस्ट करेंगे पहले हम फोल्ड करेंगे देन हम इसको पेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू अब हम साइड से इसको फोल्ड करेंगे अपर साइड पे फोल्ड किया और अच्छे से प्रेस करेंगे ऑपोजिट साइड पर फोल्ड किया और इसी तरह हम साइड से भी इसी तरह दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे वन साइड फोल्ड किया ऑपोजिट साइड से फोल्ड करेंगे अब और अच्छे से प्रेस करेंगे प्रेस हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है अब हम इसको ओपन करेंगे हैंड्स आपको नजर आ रही हैं जो प्रेस करने से हुई हैं पेपर बैग को हमने ओपन कर लिया है आप इसे देख सकते हैं इन साइड से भी और आउट साइड से भी अगर आपके पास पंच मशीन नहीं है तो परेशान ना हो हम विदाउट पंच मशीन होल करेंगे फोर सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम डॉट लगा लेंगे दोनों साइड से और अब हम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल होल करेंगे और ये होल बिल्कुल लाइक इसी तरह होगा जिस तरह हम पंच मशीन के जरिए करते हैं अच्छे से हम नीचे दबाकर इसको होल करेंगे आप देख सकते हैं कितना प्यारा होल हुआ है दूसरी साइड से भी हम इसी तरह होल कर लेंगे बैक साइड से भी दोबारा हम प्रेस करेंगे अब हम एक थ्रेड लेंगे थ्रेड को हम हाफ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर इनसाइड इसको इंसर्ट करेंगे और गिरा लगा देंगे ताकि थ्रेड हमारा बाहर ना निकले सेम यही प्रोसेस हम बाकी थ्रेड के साथ भी करेंगे गिरा हमने लगा दी है अब हम इसे दूसरी साइड पर इंसर्ट करेंगे और गिरा लगा देंगे एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम दूसरी साइड पर थ्रेड को डालेंगे और गिरा लगा लेंगे ये पेपर बैग बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है जैसा हम बाजार से परचेज करते हैं तो अगर आपके पास पेपर बैग नहीं है और आपको बहुत इमरजेंसी है तो ये पेपर बैग घर बनाएं। दूसरी साइड भी कंप्लीट हो चुकी है अब हमने एक ग्लिटर शीट ली है और ग्लिटर शीट्स की हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे मैं यहाँ तीन स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ ये स्ट्रिप मैं इसको मज़ीद डेकोर करने के लिए यूज़ करूंगी आप चाहे तो कुछ और भी यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं थर्ड स्ट्रिप अब हम इन स्ट्रिप्स को पेपर बैग पर पेस्ट कर देंगे मैं बॉटम वाली साइड्स पर इनको लगा रही हूं इसी तरह हम बाकी स्ट्रिप्स को भी लगा लेंगे स्ट्रिप्स को मैंने दोनों को अटैच कर दिया है मैंने टू लाइंस ड्रॉ की हैं पेपर बैग को मजीद डेकोर करने के लिए मैंने लिए हैं हार्ट्स एंड स्टार्स और मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ आप इन्हें किसी भी तरह से पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं सो व्यूअर्स आर पेपर बैग्स आर रेडी एंड लुकिंग ऑसम आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को बनाकर और इन्हें बनाकर आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं आप इनमें क्लिप बोर्ड रख सकते हैं बच्चों की चीज़ें रख सकते हैं उनकी खाने की चीज़ें रख के दे सकते हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई न्यू वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़